अर्थक्वेक वट इज़ अर्थक्वेक अर्थक्वेक इज़ वाइब्रेशन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट जैसे ही हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है ना उसकी वजह से जो वाइब्रेशन होंगे इज नोन एज़ अर्थक्वेक अब देखो अर्थक्वेक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एक अर्थक्वेक का होता है फोकस एक होता है एपी सेंटर ठीक है वट इज़ द फोकस अर्थ क्रस्ट के अंदर ऐसी जगह जहाँ पर अपना अर्थक्वेक चालू हुआ है उसको बोल देते हैं हम लोग फोकस और फोकस के ऊपर जस्ट ऊपर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉन एज एपी सेंटर क्या मतलब हुआ इस चीज़ का अगर आपने अर्थ के अंदर इस जगह अर्थ को एक चालू हुआ है और इसके जस्ट ऊपर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ जो पॉइंट है इसको एपी सेंटर बोलते हैं ठीक है डेफिनेशन देख लेते हैं द वट इज़ फोकस द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट ऑफ प्लेट स्टार्ट्स एंड एपी सेंटर द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस मतलब क्या हुआ कि फोकस के ऊपर मतलब एपिसेंटर के ऊपर हम सबसे पहले अर्थक्वेक को महसूस करेंगे देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स जब एक अर्थक्वेक होता है तो तीन टाइप की वेव्स प्रोड्यूस करता है द फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूनल वेव्स या फिर पी वेव्स द सेकेंड वन इज ट्रांसफर्स्ट वेव्स या फिर एस वेव्स द थर्ड वन इज एल वेव्स जिसको अपन लोग सरफेस वेव्स भी बोलते हैं देखो अर्थक्वेक की जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना वो ये है कि अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रीडिक्टेड कुछ मशीन्स के बारे में बात कर लेते हैं जो अर्थक्वेक की मेजरमेंट करती हैं सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ इज अ मशीन फॉर अर्थक्वेक मेजरमेंट इसी तरह अपने पास रिएक्टर स्केल है इट इज़ ऑल्सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक